तो देखा मेरे पीछे भाई पासपोर्ट कंट्रोल, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 15 सेकंड लगे होंगे। मेरा पासपोर्ट देखा उन्होंने, पिछला भी ट्रैवल था तुर्की का वो भी देखा, स्टैम्प किया, बोले वेलकम टू तुर्की। उसके साथ ही ये बैगेज क्लेम के लिए लिखा, पर मेरे पास तो बैगेज कोई है नहीं, तो सीधे ही बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पे यार कुछ नहीं चेक किया, ना कोई स्क्रीनिंग हुई है, ना कोई कोविड का टेस्ट देखा कोई मेरा, अभी पता नहीं बाहर जाके देखे ना देखे। यहाँ पे अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, बैगेज भी हो गए सारे कंप्लीट, पासपोर्ट कंट्रोल भी हो गया, सब कुछ क्लियर यार। वो भी मैक्सिमम 5 मिनट भी लगे यार, मैं अभी तो 5 मिनट भी नहीं पूरे हुए एयरपोर्ट से बाहर निकले को। तो बाहर निकलता हूँ यार, सबसे पहले सिम कार्ड का भी देखता हूँ, यहाँ पर सिम कार्ड बहुत ज़रूरी, मुझे वो लेना पड़ेगा। चलो भाई यहाँ तक तो पहुँचा हूँ, अब सबसे पहला जो काम है था वो मेरा मनी एक्सचेंज थोड़ी सी करवा लेता हूँ यार, बिकॉज मुझे सिम कार्ड भी चाहिए, और मैं यहाँ से ही देखूँगा कि कैसे सिस्टम है सारा। और सिम कार्ड्स लगे हुए हैं वैसे तो सिम कार्ड पर, मैं सोच रहा हूँ जब सिटी में पहुँचूँगा तभी लूँगा, अभी मैं यहाँ पे एयरपोर्ट वाईफाई ही कनेक्ट करने के बाद, बर्गर किंग भी है, स्टारबक्स भी है यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स भी है, तो पहले मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, अपने जो हॉस्टल में रहना है वहाँ पर देखूँ जा करके क्या सारा सिस्टम, और उसके बाद ही मैं करता हूँ फिर फाइंड। पहले मैं बर्गर किंग चलता हूँ, सबसे पहले तो थोड़ी मनी एक्सचेंज करवा लेता हूँ, मनी एक्सचेंज करवाऊँगा तो सिम बाय कर लेता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे एयरपोर्ट पे इंटरनेट नहीं है, और मुझे अपना हॉस्टल फाइंड करना है, तो वो फाइंड करूँगा तो पहुँचूँगा। इस्तांबुल कार्ड भी लेना है, तो ये सारा काम होगा जब मेरे पास इंटरनेट होगा। तो सोच रहा हूँ कि तुर्कसेल की, इस बार डिसाइड किया था कि मैं तुर्कसेल, ये मेरे पीछे वाला तुर्कसेल ही लूँगा, तो मनी एक्सचेंज कर लेता हूँ, नो कमीशन लिखा हुआ, अगर सही रहा रेट तो इसी से ही चेंज करवा लेता हूँ थोड़े से। मेरे पास 200 ठीक है, 200 दिरहम्स भी पड़े हुए हैं, पहले वो चेंज करता हूँ तो फिर उसके बाद करता हूँ आगे। यू कैन चेंज मनी विद नो कमीशन, यस इट्स ओनली यूट्यूब क्लोज। तो भाई उन्होंने मनी एक्सचेंज करवा रहा था तो उन्होंने मुझे तो लेने से मना कर दिया कि आप वीडियो नहीं बना सकते, मेरी टर्किश जो एक्सचेंज करवा रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है अगर वो बोल रहे हैं नहीं तो क्यों प्रॉब्लम करनी, ठीक है फिर किसी को नहीं अच्छा लगता, तो मैंने बंद कर दिया कैमरा। और अभी सिम लेने के लिए आया हूँ, ये बेस्ट नेटवर्क का है ये जो आपको मैंने बताया, तुर्कसेल का, तुर्कसेल ही बेस्ट है। लास्ट टाइम जब मैंने बाय किया था वो तुर्क टेलीकॉम का किया था, तो वो इतना सही नहीं था, बीच चलता अच्छा था, ऐसा नहीं है नहीं चलता था, पर बीच बीच में रुकता था वो, पर इसके बारे में मैंने काफ़ी रिव्यू भी पढ़े थे कि तुर्कसेल का है वो बेस्ट है यहाँ का, वोडाफोन से भी अच्छा है, तो मैंने इसको सही लेना ही ऑप्शन का। बट भाई 10 से 15 दिन लेने थे, कम से कम 25 GB वाला तो मुझे लेना ही पड़ेगा इंटरनेट के लिए, बिकॉज आगे मुझे पता नहीं कहा मुझे हॉस्टल के बाहर कितनी देर रहना पड़ता है या कुछ, तो कितना इंटरनेट चाहिए, तो मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा फालतू का। तो फ़र्क भी सारा 10-15 लीरा का है, ज़्यादा नहीं है, 240 लीरा में 15 GB है और 270 लीरा में 25 GB है। तो मैंने बोला कि 270 लीरा वाला ही मुझे कार्ड दे दीजिए, तो वही कार्ड मैं बाय करने लगा हूँ, 270 पे करके पासपोर्ट की कॉपी दूंगा, और उसके बाद ये मुझे सिम कार्ड इशू कर देंगे और एक्टिवेट कर देंगे, तो अपना हॉस्टल फाइंड करके इस्तांबुल कार्ड भी लूँगा, तो लेने के बाद फिर निकलता हूँ आगे। चलिए भाई कार्ड लेने के बाद सीधा ही मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ, और यार एक गलती हो गई, टी शर्ट पहनी हुई है मैंने, ठंड काफ़ी है यहाँ पे, आई थिंक टेम्परेचर में बाहर निकला तो एकदम से ठंड लगी, हवा ठंडी 8 डिग्री सारा टेम्परेचर है यहाँ पे, तो अभी देखता हूँ कुछ कहीं पे बैठूँगा तो अपनी जैकेट्स है मेरे जो बैग में पड़ी वो निकालूंगा, अभी पहले मैं अपनी हॉस्टल को फाइंड कर लूँ, बिकॉज इंटरनेट को उन्होंने बोला कि 5 से 10 मिनट लगेंगे चलने को, तो बाहर धूप में खड़ा हो गया हूँ, और इसको चलते ही फिर फाइंड करता हूँ अपनी बस को, कौन सी बस मेरी मुझे हॉस्टल तक पहुँचाएगी। तो यह है बाहर का व्यू एयरपोर्ट के यहाँ के, भाई पहले मैंने सोचा था कि मैं बस लूँगा, सॉरी ट्रेन लूँगा, मेट्रो का कार्ड बाय करूँगा, बट मैंने जो सिम कार्ड बाय किया था उससे मैंने सीधा ही कॉल कर ली हॉस्टल को, हॉस्टल को कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप हफा बस में जाइए और उसमें सीधा ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगा, उस बार में एक मेट्रो चेंज होगी तो आप वक्त वहाँ तक पहुँच जाओगे, बिकॉज़ यहाँ अभी मेट्रो नहीं है, तो
फ़ायदा तो है भाई सिम कार्ड लेने का, सीधा ही कॉल हो गई, 700 मिनट भी फ्री मिले हुए थे, को ना क्यों ना मैं सिम को भी यूज़ करता। तो बस निकलता हूँ बस से और कुछ आपको बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ इस्तांबुल का कैसा है देखने में, तो मेरे साथ आप भी इंजॉय कीजिए व्यू को। तो भाई टिकट ले ली मैंने, टिकट में ये पड़ी है 24 लीरा की, तकसीम स्क्वायर तक ये बस जाएगी। ये 24 लीरा आई थिंक हो गए इंडिया के 240 रुपये, दूर भी है, आधा पौना घंटा लग जाएगा वहाँ तक पहुँचते, वो सेंटर है इस्तांबुल का तकसीम स्क्वायर, तो वहाँ तक पहले पहुँचूंगा, उसके बाद मेट्रो से सीधे हॉस्टल को। और ये टिकट थी 24 लीरा की पड़ी है। तो टैक्सी से भाई पैसे पर टैक्सी मत कीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ कि 2-3 जाने हैं तो फिर ही टैक्सी कीजिएगा, अदरवाइज़ टैक्सी मत कीजिएगा, सिंगल हो तो सिर्फ इसी से ही काम चलाइए लोकल ट्रांसपोर्टेशन से ही। तो चले बस निकलते हैं आगे। तो भाई यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया था बड़ा, आपको सारा जाकर बताता हूँ हॉस्टल में, बिकॉज एक जो इस्तांबुल कार्ड मैंने बोला था बाय करने के लिए मेट्रो कार्ड, वो भी नहीं चलेगा भाई। चलने का भी एक प्रोसीजर है, आपको किसी मॉल में किसी पब्लिक प्लेस में एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो ज़रूरी है, मैं आपको बताऊँगा क्या है सारा सिस्टम। तो सारा हॉस्टल जाके बताता हूँ, इन्होंने सज्जन जो मेरे सामने जा रहे हैं दो, इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको रजिस्टर करना है उस ऐप में और सारा कुछ आपको कैसे करना है। पहले निकल जाऊँ यहाँ से। और ये फाइनली गाइस मुझे तो मिला अपना हॉस्टल, चलिए भाई यहाँ पे तो पहले बताना पड़ता है, आए हैं भाई बोलना पड़ेगा, लोग है तो बड़ा मुश्किल से यार पहुँचाऊँ, बट प्लेस और जो हॉस्टल की लोकेशन है भाई पैसा वसूल है। अभी आपको थोड़ी देर में रेस्ट कर लूँ, कुछ खा लूँ, तो फिर मैं आपको लेकर जाता हूँ बाहर, तो देखना भाई, तो आप बोलोगे खुद ही यार पैसा वसूल लोकेशन है। बोला नहीं यार किसी ने, हेलो हम अरुण शर्मा, आई हैव बुक माई होटल फॉर 3 days, फ्रॉम टूडे टू नेक्स्ट 3 days। बोलना पड़ता है भाई, इधर ये लगा हुआ है, बोलोगे तो फिर वो गेट खुलेगा, देन यू गो टू इनसाइड। ये तो बनी हुई है रिसेप्शन, कोई तो है नहीं यहाँ पे यार रिसेप्शन पे, वेट करनी पड़ेगी लगता है, यहाँ पे आते हैं वो तो फिर मुझे मेरा रूम मिलेगा, बेड मिलेगा, तो इसका मैं सारा बता देता हूँ आपको कैसा मुझे कितने का पड़ा है, इंक्लूड ब्रेकफास्ट। तो 3 दिन के लिए मैंने बुक किया, इसके बाद मैं निकल जाऊँगा नेक्स्ट सिटी के लिए, बिकॉज इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़्यादा नहीं इस सिटीज में रहूँगा, थोड़ा आउटसाइड जाऊँगा ताकि कुछ आपको तुर्की के बाहर का भी कुछ दिखा सकूँ, बिकॉज सिटीज में तो मोस्टली काफ़ी पर्सन जाते हैं, बट आउटसाइड में जो जाने का मज़ा है वो आप भी इंजॉय करोगे। तो चलते हैं थोड़ी देर बाद, पहले मैं इधर सारी बुकिंग कर लूँ कंफर्म, देन आफ्टर वी गो टू देयर। हाय अरुण शर्मा, चलिए भाई पहले मैं इसको कंफर्म कर लूँ, आपको मिलता है रूम में। सो हाय एवरीवन, तो ही इज माय फ्रेंड, ही इज टोल्ड मी आई नॉट हाई, ही इज शाय, ही इज शाय पर्सन, बट इन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं है आप मेरे साथ भी घूम सकते हैं, कल हमने जाने का प्लान बनाया था। इट्स ओके ब्रो, यू कैन सिट हियर, आई नॉट शो यू। सो
प्लान बनाया था तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, चलो अब कल बनाएंगे प्लान जाने का बाहर, तो देखेंगे क्या सिस्टम है जाने का। और फेरी का देखा था, प्रिंसेस आइसलैंड के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि उसके लिए कम मैक्सिमम 3 लीरास पे करने पड़ते हैं, तो मैं सोच रहा था कि 30 से 40 लीरा पे से एशियन एंड यूरोपियन साइट्स है दोनों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैं जस्ट टाइट हूँ, अभी बाहर जाकर देखता हूँ कुछ खाने के लिए, तो वो देखूंगा। और इन्होंने मुझे कॉफ़ी दी है, ये लाइक बोल रहे हैं कि ये भी लाइक करते हैं कॉफ़ी काफ़ी, तो मुझे बोल रहे थे कि मेरे साथ ड्रिंक कर लेना ब्लैक कॉफ़ी, ये भी काफ़ी लाइक करते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बना लेना भाई, मैं भी लाइक करता हूँ। तो अभी ऐसी बातें चल रही थी इनके साथ, तो बनाया है कल का प्लान, जाएंगे आउटसाइड तो देखेंगे, बातें करेंगे तो आपको भी दिखाऊंगा। अभी मैं जो ऊपर आपका रूम था वो आपको नहीं दिखाया, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, बिकॉज रूम तो अच्छा था बट जो मुझे बाथरूम थे वो नहीं सही थे, बिल्कुल भी डर्टी बाथरूम थे, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि मेरा रूम चेंज कर दीजिए प्लीज़। तो लोकेशन बेस्ट है, मैं इसको 9/10 दूंगा, तो भाई उसके लिए तो बेस्ट बेस्ट एंड एक्सीलेंट है। तो लोकेशन आप खुद ही जान जाओगे, जब मैं बाहर से दोबारा आऊँगा आपको दिखाऊंगा कितना पास में है ये, तो बेस्ट है। और सारा मैं आपको बताऊँ, 3 दिन के लिए मैंने लिया है, तो 3 दिन के लिए मुझे मैक्सिमम 2,000 2,100 रुपये सिर्फ पे करने पड़े। आई थिंक एक दिन का लगा ली तो 700 रुपया इंक्लूड ब्रेकफास्ट, जी हाँ इंक्लूड ब्रेकफास्ट मिला है 700 रुपीज़ में, तो 3 दिन के लिए 2,100 रुपया, आई थिंक अच्छी डील है ये। तो और बस ये था, और रूम तो आपको मैंने दिखा देता हूँ, जब दूसरा मिलता है तो दिखाता हूँ उसका। तो अभी हम कॉफ़ी पीने लगे, कॉफ़ी इंजॉय कर ले, तो फिर करता हूँ दोबारा ऑन कैमरा। तो ये रूम था जो उन्होंने मुझे दिया था, ठीक था रूम, अच्छा मैं तो गलत नहीं बोलता, बाथरूम नहीं मुझे अच्छा लगा इसका। तो ये जो होंगे जैसे कपड़े फेंके होते हैं, मैं तो नहीं करता भाई, ये मेरा बैग पड़ा था, ये इन्होंने मुझे बेड दिया था कि आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो और नीचे वाला जो बेड था इसको मैं भी नहीं रिजेक्ट कर दिया था, मैं कोई बात नहीं ऊपर ही दे दीजिए, कोई इशू नहीं ऐसा। तो बैग पड़ा है, वो एक फ्रेंड था वो बोलता है चले पहले ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, आपको बाहर का भी व्यू दिखा देता हूँ, उनका किचन है जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होता है एवरी डे। दिस इज ब्रेकफास्ट एरिया, तो काफ़ी अच्छा एरिया बना हुआ है। बट falls in the room and to get I think it. In the room you can find, if not find that is lost, you can lost. Oh really? Yes. तो ये कुछ बैठने के लिए बना हुआ था, वहाँ सामने समुंदर है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व होता है, तो काफ़ी बढ़िया है भाई, कोई इशू नहीं है ऐसा। मुझे तो बड़ा सही लगा भाई, 700 रुपये में और क्या चाहिए आपको। और बस ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद फिर देखता हूँ क्या करना है, भूख लगी है, सुबह का मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो उसका देखता हूँ क्या करना है।